शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं तुमको खोल खोल कर डर सुनाने और ये पैगाम पहुंचाने आया हूँ कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, मुझे तुम्हारी निस्बत दर्दनाक अजाब का खौफ है। तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि हम तुमको अपने ही जैसा एक आदमी देखते हैं और ये भी देखते हैं कि तुम्हारे पैराव वही लोग हुए हैं जो हम में अदना दर्जे के हैं और वो भी सतही राय से, और हम तुम में अपने ऊपर किसी तरह की फजीलत नहीं देखते बल्कि तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। फरमाया कि ऐ कौम देखो तो अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से दलील रोशन रखता हूँ और उसने मुझे अपने हाथ से रहमत बख्शी हो जिसकी हकीकत तुमसे पोशीदा हो गई है तो क्या हम इसके लिए तुम्हें मजबूर कर सकते हैं जबकि तुम इससे नाखुश हो? और ऐ कौम मैं इस नसीहत के बदले तुमसे माल और ज़र का मुतालबा तो नहीं करता, मेरा सिला तो अल्लाह के जिम्मे है और जो लोग ईमान लाए हैं मैं उनको निकालने वाला भी नहीं हूँ, वो तो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं, लेकिन मैं देखता हूँ तुम लोग नादानी कर रहे हो। ऐ मेरी कौम अगर मैं इनको निकाल दूं तो अल्लाह की गिरफ्त से बचाने के लिए कौन मेरी मदद कर सकता है, भला तुम गौर क्यों नहीं करते? और मैं न तुमसे ये कहता हूँ कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं और न ये कि मैं गैब जानता हूँ और न ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ और न उन लोगों की निस्बत जिनको तुम हकारत की नजर से देखते हो ये कहता हूँ कि अल्लाह उनको भलाई यानी आमाल की जजाए नेक नहीं देगा, जो उनके दिलों में है उसे अल्लाह खूब जानता है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो बेइंसाफों में हो जाऊँ। उन्होंने कहा कि नूह तुमने हमसे झगड़ा तो किया और झगड़ा भी बहुत किया, अब अगर तुम सच्चे हो तो जिस चीज से हमें डराते हो वो हम पर ला नाजिल करो। नूह ने कहा कि उस अजाब को तो अल्लाह ही चाहेगा तो नाजिल करेगा और तुम अल्लाह को किसी तरह हरा नहीं सकते, और अगर मैं ये चाहूँ कि तुम्हारी खैर खाही करूँ और अल्लाह ये चाहे कि तुम्हें गुमराह रहने दे तो मेरी खैर खाही तुमको कुछ फायदा नहीं दे सकती, वही तुम्हारा परवरदिगार है और तुम्हें उसी की तरफ लौट कर जाना है। क्या ये लोग कहते हैं कि इस पैगंबर ने कुरान अपने दिल से बना लिया है? कह दो कि अगर मैंने दिल से बना लिया है तो मेरे गुनाह का वबाल मुझ पर और जो गुनाह तुम करते हो उससे मैं बरी उज़िम्मा हूँ। और नूह की तरफ वही की गई कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके उनके सिवा और कोई ईमान नहीं लाएगा, तो जो काम ये कर रहे हैं उनकी वजह से गम ना खाओ और एक कश्ती हमारे हुक्म से हमारे सामने बनाओ, और जो लोग जालिम हैं उनके बारे में मुझसे कुछ न कहना क्योंकि वो जरूर गर्क कर दिए जाएंगे। और नूह ने कश्ती बनाना शुरू कर दी और जब उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरते तो उनसे तमस्खुर करते। वो कहते कि अगर तुम हमसे तमस्खुर करते हो तो जिस तरह तुम हमसे तमस्खुर करते हो उसी तरह एक वक्त हम भी तुमसे तमस्खुर करेंगे और तुमको जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है जो उसे रुस्वा करेगा और किस पर हमेशा का अजाब नाजिल होता है, यहां तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुंचा और तन्नूर जोश मारने लगा तो हमने नूह को हुक्म दिया कि हर किस्म के पालतू जानवरों में से जोड़ा जोड़ा यानी एक एक नर और एक एक मादा ले लो, और जिस शख्स की निस्बत हुक्म हो चुका है कि हलाक हो जाएगा उसको छोड़कर अपने घर वालों को और जो ईमान लाया हो उसको कश्ती में सवार कर लो, और उनके साथ ईमान बहुत ही कम लोग लाए थे। नूह ने कहा कि अल्लाह का नाम लेकर कि उसी के करम से इसका चलना और ठहरना है, इसमें सवार हो जाओ, बेशक मेरा परवरदिगार बख्शने वाला है मेहरबान है। और वो उनको लेकर तूफान की लहरों में चलने लगी, लहरें क्या थीं गोया पहाड़ थे। उस वक्त नूह ने अपने बेटे को जो कश्ती से अलग था पुकारा कि बेटा हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों में शामिल ना हो। उसने कहा कि मैं अभी पहाड़ से जा लगूंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। फरमाया कि आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं और न कोई बच सकता है मगर वही जिस पर अल्लाह रहम करे। इतने में दोनों के दरमियान लहर हायल हो गई और वो डूब कर रह गया, और हुक्म दिया गया कि ऐ जमीन अपना पानी निगल जा और ऐ आसमान थम जा, और पानी खुश्क हो गया और काम तमाम कर दिया गया, और कश्ती कोहे जूदी पर जा ठहरी और कह दिया गया कि बेइंसाफ लोगों पर लाना। और नूह ने अपने परवरदिगार को पुकारा और कहा कि परवरदिगार मेरा बेटा भी मेरे घर वालों में है, तू उसको भी निजात दे, तेरा वादा सच्चा है और तू बेहतरीन हाकिम है। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नूह वो तेरे घर वालों में नहीं है, वो तो सरासर बदअमल है, तो जिस चीज की तुमको हकीकत मालूम नहीं उसके बारे में मुझसे दरखास्त ही ना करो, और मैं तुमको नसीहत करता हूँ कि नादान ना बनो। नूह ने कहा परवरदिगार मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ कि ऐसी चीज की तुझसे दरखास्त करूं
जिसकी हकीकत मुझे मालूम नहीं, और अगर तू मुझे नहीं बख्शेगा और मुझ पर रहम नहीं फरमाएगा तो मैं तबाह हो जाऊंगा। हुक्म हुआ कि नूह हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ जो तुम पर और तुम्हारे साथ की जमातों पर नाजिल की गई हैं उतर आओ, और कुछ और जमातें होंगी जिनको हम दुनिया के फवायद से बहरामंद करेंगे, फिर उनको हमारी तरफ से अजाब अलीम पहुंचेगा। ये हालात गैब की खबरों में से हैं जो हम तुम्हारी तरफ भेजते हैं, और इससे पहले न तुम ही इनको जानते थे और न तुम्हारी कौम ही इनसे वाकिफ थी। तो सब्र करो कि अंजाम और